हम लोग लगातार लगभग 4000 साल गुलाम रहे, तो हमें सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरी कौम ऐसी नहीं है जो इतने लंबे समय तक गुलाम रही हो। तो ये 4000 साल तक हम ही गुलाम क्यों रहे? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्ग ये ना चाहते हो कि उनके बच्चे आजादी में सांस लें। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्ग ये ना चाहते हो कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करके प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं ये भी बिल्कुल नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्ग ये चाहते हो कि उनकी आने वाली पुस्तें गुलाम और गुलाम और गुलाम ही गुलाम रहे। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा। आखिर पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक, लगभग 4000 साल तक हमारे लोग गुलाम क्यों रहे? जब मैं इसकी जांच पड़ताल करता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि ये जो हिंदुओं के धर्मशास्त्र के अंदर हमारे अनुसूचित जनजाति के समाज पर, हमारे अछूत भाइयों पर एक धार्मिक बंदिश थी कि ना तो तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते और ना ही तुम संपत्ति अर्जित करने कर सकते, क्योंकि धर्मशास्त्र तुम्हें यह इजाजत नहीं देते कि तुम ज्ञान के मंदिर में जाकर ज्ञान अर्जित करो और तरक्की करो। धर्मशास्त्र यह इजाजत नहीं देते कि हमारे लोग धन संपत्ति अर्जित करें और तरक्की करें। तो ये धर्मशास्त्रों के खोट की वजह से हम लोग लगातार 4000 साल गुलाम रहे। लेकिन आज एक बात की तुलना करनी पड़ेगी, हमारे समाज के पास खेती की भूमि नहीं है, हमारे समाज की हिस्सेदारी उद्योग धंधे में नहीं है। जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयले की खान, पत्थर की खान, पहाड़ों से उत्खनन होता है खनिज पदार्थों का, इन सारी खानों से, इस उत्खनन से लाखों करोड़ रुपया पैदा होता है और ये सब राष्ट्र की संपत्ति है। उसके बावजूद इस संपत्ति में क्या हमारा कोई हिस्सा है? हाथ उठा के बताइए। तो क्या इस प्राकृतिक संसाधनों में, लाखों की संपत्ति में, लाखों करोड़ की संपत्ति में हमारा हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। खेती की भूमि में हमारा हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जो लोग सड़क का निर्माण करते हैं, जो लोग मकान का निर्माण करते हैं, जो लोग कपड़े बुनने का काम करते हैं, जो लोग जूते बनाने का काम करते हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितना भी निर्माण का काम है, वो सारा निर्माण का काम ये सामने बैठा हुआ समाज करता है। लेकिन कितने दुख की बात है, जो निर्माण करने वाला समाज है उसके पैर में जूते नहीं है, जो निर्माण करने वाला समाज है उसके सर पे छत नहीं है, जो निर्माण करने वाला समाज है उसके तन पे कपड़े नहीं है। यह व्यवस्था किस वजह से है? यह व्यवस्था धर्मशास्त्रों में छिपी हुई गुलामी की वजह से है। ऐसे धर्मशास्त्रों को त्याग कर हमें बाबा साहब के बनाए संविधान को अपना हथियार बना लेना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट की भी यह जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के संविधान को 100% फॉलो करवाए। और ये जजमेंट 2013 में 5 जज बेंच की जजमेंट थी। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर करनी भी पड़े तो उन्होंने 5 क्षेत्र बताए कि केवल 5 क्षेत्रों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकी में नहीं होनी चाहिए। वो 5 क्षेत्र है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, यानी शादी से संबंधित, हमारे लड़के या लड़की ने किसी दूसरी जाति या धर्म के साथ शादी कर ली और ऐसे में कोई डिस्प्यूट कास्ट का बनता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस होते हैं उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। करप्शन केसेस, जो करप्शन के केस दर्ज होते हैं उसमें कोई आरोप लगाता जाति की दुर्भावना की, ऐसे में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। और चौथा है कॉमर्शियल ऑफेंसेस, पैसे के लेन देन के ऑफेंसेस, ऐसे में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। और लास्ट पांचवा, ऐसे केसेस जो 3 महीने से ज्यादा समय तक मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस में नहीं लिख दिए गए, 3 महीने की से ज्यादा की डिले है, और ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 2 जज बेंच का जजमेंट आया है, वो 2 जज बेंच का जजमेंट इस 5 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरूल कर रहा है। कानून यह है कि जो मेजोरिटी जजमेंट होती है वो लागू होती है। आज भी 5 जज बेंच की जजमेंट लागू होनी चाहिए, 2
जो SC ST दूसरी जज को ताकत देती है दो जजमेंट की जजमेंट को लागू करके पांच जजमेंट की जजमेंट को ओवररूल करने का काम करेंगे, जो शर्मनाक है। मैं समझता हूँ ये कानून के भी खिलाफ है, ये भारत के संविधान के भी खिलाफ है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि काफी हमारे वक्त है। दूसरी बात, आज इस मुद्दे पर दिल्ली की विधानसभा में हमने मुद्दा लगाया हुआ है, हमारे चार साथी विधायक भी आए हुए हैं। विधानसभा में 2 बजे से विधानसभा चलेगी और सबसे पहले जैसी विधानसभा चलेगी हम इस मुद्दे पर पूरी विधानसभा को रोक देंगे और जब तक विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक हम विधानसभा को चल नहीं देंगे। लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा साथियों, मैं मंत्री बाद में हूं, यह मेरे साथी मंत्री विधायक सांसद बाद में है, पहले हम इस समाज का हिस्सा है, पहले बाबा साहब के सिपाही है, समाज संख्या में बहुत ज्यादा है, ताकत में बहुत ज्यादा है, लेकिन अनुशासन सबसे ज्यादा बेकार हमारे समाज में है, इसलिए हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते और अनुशासन खुद ही भंग कर देते हैं और अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के बावजूद बिना बल्कि घुमा देते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अनुशासित बनिए। मैं तो ये कहूंगा पहले समता सैनिकल के सैनिक बनकर ट्रेनिंग लो, सुबह की ट्रेनिंग लोगे तो डिसिप्लिन आएगा और फिर देखना हमारी ताकत इतनी बुलंदता के साथ उठेगी कि कोई भी केवल राज्य सरकार तो छोड़िए केंद्र सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज की तरफ आग उठा के देख सके।